नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जम्मू एयरपोर्ट पर हमले के पीछे पाक के जैश ए मोहम्मद का हाथ, कई जिले अलर्ट पर। भारत में देरी से आएगी कोरोना की तीसरी लहर, आईसीएमआर की रिपोर्ट ने दी राहत, टीकाकरण के लिए मिलेगा समय। यूपी में 100 सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम, ओबीसी के ऐलान से सपा बसपा और कांग्रेस की बढ़ेगी मुश्किल। 8वीं की स्टूडेंट को लव लेटर लिखता था टीचर, पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने मुंह पर काली पोत, निकाला जलूस। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर से। जम्मू और कश्मीर पुलवामा में विशेष पुलिस अधिकारी और पत्नी को आतंकियों ने गोली से उड़ाया, बेटी हुई घायल। मास्क हटाने की जल्दबाजी महंगी पड़ी, डेल्टा वेरिएंट के कारण इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और फिजी में बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। केरल में बच्चे के साथ पति ने छोड़ा, अब नींबू पानी और आइसक्रीम बेचकर गुजारा करने वाली एनी सिवा बनी पुलिस इंस्पेक्टर। जम्मू ड्रोन हमला, सुरक्षा एजेंसियों को शक, आतंकियों ने आसपास के इलाके से किया हमला। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, आज भी मिले करीब 10,000 नए मामले। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में स्पुतनिक वी के टीकाकरण में हुई और देरी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।